सर्दी जुखाम में काढ़ा बहुत काम करता है, हम बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे कि छोटे बच्चों के लिए काढ़ा कैसे बनाएं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। बच्चों के लिए काढ़ा बनाने के लिए आपको लेना है लौंग, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, मधु या गुड़। लौंग, तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा सर्दी जुखाम में बहुत जल्द आराम दिलाता है। अदरक का रस गले की खराश के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अब बात करते हैं इस काढ़े को बनाना कैसे है। 2 कप पानी में 3 या 4 लौंग, 1 टुकड़ा अदरक, 3 दरदरा काली मिर्च और 6 से 7 तुलसी की पत्तियां डालें और उनको अच्छे से उबालें। एक बात का ध्यान रखें, ये सारी चीजें धोकर तब डालें। फिर इन सबको अच्छे से उबाल लें और छान लें। बच्चों को पीने में तीखा ना लगे इसलिए उसमें मधु या गुड़ मिलाकर अपने बच्चों को पिलाएं। दिन में कम से कम 2 या 3 बार पिलाएं। इससे फायदा ये होगा कि बच्चों के बंद नाक खुल जाएंगे और वो आसानी से सांस ले पाएंगे। उनके खांसी में भी बहुत जल्द आराम मिलेगा और उनके बहते नाक बंद हो जाएंगे। ये काढ़ा बहुत ही अच्छा काम करता है और तेजी से काम करता है बच्चों के सर्दी जुखाम में। इस काढ़े को अगर आप अपने बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज पिलाएंगे तो उन्हें पूरे ठंड कभी सर्दी जुखाम नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे और जानकारी वाले वीडियोज के लिए। बच्चों से रिलेटेड मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं अलग अलग टॉपिक पे, आप जाकर मेरे चैनल पे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और कुछ वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।